शुभ अवसर पर हमारे पंचायत के मैनारेका में आयोजित एक मदरसा का बच्चे के द्वारा जो प्रोग्राम किया गया है, उनके उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम रखा गया है, प्रोग्राम करवाने वाले को तहे दिल से धन्यवाद कि बच्चे का जो उनके अंदर जो प्रतिभा है, प्रतिभा का आयोजन किया गया और हमारे जो दूर दूर से आए हुए मंचासीन जो भी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, हाफिज होंगे, वो बच्चा का परफॉर्मेंस देखकर बच्चे को भी एक ललक हुआ होगा कि हमको एक मैक पर बोलने का मौका मिला। हम लोग भी कोई ज़्यादा मैक पर नहीं बोल पाते थे। मैं 2 मिनट कहना चाहूँगा अपने बारे में। मैक देख के ही हमको डर लगता था, मैक पर हम लोग 2 शब्द नहीं बोल पाते थे। लेकिन अल्लाह ताला भगवान का मर्जी है कि मैक पर आप जो मैक मिल जाता है हम लोगों को, तो आधा घंटा एक घंटा आराम से हम लोग बोल लेते हैं। हम ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हम मैट्रिक पास हैं। मेरी पत्नी जो मुखिया इस पंचायत की है, प्रियंका मेहता जी, वो पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी के नाम पर ही उनको दोबारा इस पंचायत के जनता मुखिया बनाने का काम किए हैं। इसलिए शिक्षा हर क्षेत्र में जरूरी है। शिक्षा के बगैर हम लोग कुछ आगे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये मदरसा का जो बुनियाद रखा गया है, मैं तहे दिल से मैनारेका के वासी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने शिक्षा के जगत में कदम रखा है। मेरा जो भी सहयोग होगा, पंचायत के मुखिया के नाते मुखिया नहीं भी रहते तो हम एक सामाजिक आदमी हैं। भगवान अल्लाह ताला हमको अच्छा बनाया है। इस मदरसा के लिए जो भी आप लोग को जरूरत पड़े उसको करने के लिए हम तैयार हैं। इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा कि हम हिंदू हैं आप मुस्लिम हैं नहीं लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हम लोग को भी समाज में मंदिर मस्जिद में लोग नहीं देता है, लेकिन मदरसा एक मंदिर से भी बढ़ के है, मस्जिद से भी बढ़ के है, वह किसी भी क्षेत्र में हो। इसलिए हर के सहयोग से मदरसा अच्छा बनना चाहिए। यहाँ के बच्चा पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेरे पंचायत का नाम रोशन होगा। और मैं इस मंच से घोषणा करना चाहता हूँ, जो सरकारी फंड भी इस मदरसा के नाम पर हो सकता है, जैसे मिट्टी का काम यहाँ बहुत ज़्यादा है, देखे अभी बात कर रहे थे जावेद भाई से, सबसे भाई से, कि हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, यदि कुछ सरकार से भी मदद हो जाएगा तो आसान हो जाएगा बिल्डिंग बनाने में, तो हम लोग कोशिश करेंगे। जिला परिषद भी हम लोग के क्षेत्र के ही हैं, हबीबुल भाई, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ कुछ सारा आदमी कुछ कुछ फंड इसमें दे देंगे, तो ये बहुत बड़ा, एक 10 कट्ठा की ज़मीन की बात हो रही है कि 10 कट्ठा ज़मीन इसमें करीब करीब है, 10 कट्ठा ज़मीन बहुत बड़ी बात है। जो यहाँ के जमींदाता जो ज़मीन दिए हैं उनको भी तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि उसने एक अच्छा सोच के तहत भविष्य को देखते हुए जमीन दान दी है। तो सबसे पहले तो जमीन दाता का धन्यवाद तहे दिल से देना चाहूँगा। उनके नाम का शिलापट जरूर लगना चाहिए, जो जमीन दाता हैं, मदरसा जो बन के तैयार हो तो उनका सबसे पहले नाम होना चाहिए कि फिर भविष्य में कोई देखेगा तो कहेगा मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे बाबूजी, मेरे चाचा, मेरे अंकल इस मदरसा में ज़मीन डोनेट दिए थे। इससे आगे भी और समाज में मैसेज जाएगा। और इसके साथ हम क्या कहेंगे, हम भट्टा मालिक हैं, कम से कम 2 से 3 गाड़ी ईटा का हमें घोषणा करते हैं कि फ्री में देंगे, और जो जो लेना होगा तो जो मार्केट रेट होगा उस मार्केट रेट से भी हम कम लागत पर ही कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम सामान पहुँच सकें।